हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये म्यूकर माइकोसिस के बारे में है। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज का कि म्यूकर माइकोसिस क्या है और ये कैसे कोविड रिकवर्ड पेशेंट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, काली फंगस का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस क्या है? ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी इन्वेसिव इन्फेक्शन, और वी कैन से इट इज अ अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। यानी कि ये एक तरीके का सेकेंडरी इन्वेसिव इन्फेक्शन है। सेकेंडरी इन्वेसिव इन्फेक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी मीन्स पहले एक कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि कोविड हमें हो गया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी। इन्वेजिव इन्फेक्शन मीन्स कि ये बहुत तेजी से क्या कर रहा है, फैल रहा है। हमारी बॉडी में अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी इन्वेजिव इन्फेक्शन। और इट इज ए अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, यानी कि ये क्या कर रही है फंगस, इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारी बॉडी में अगर ग्रो करने की, तो वो उस चीज का फायदा उठा के क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल कैसे रही है वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हाउ दिस फंगस कॉजेज इन्फेक्शन ऑन कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स। ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में कैसे इन्फेक्शन कर रही है और ये इन्वायरमेंट में कहाँ पे प्रेजेंट है फंगस। ठीक है, तो अगर हम म्यूकर माइकोसिस के बारे में थोड़ा सा अगर जान लें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि म्यूकर माइकोसिस क्या है। इज अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन। ये क्या है, बहुत रेयर है बट इट इज अ सीरियस, ये बहुत कम होगा बट अगर हो रहा है तो ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्ड्स, यानी कि राइजोपस और म्यूकर। मोल्ड्स हम कॉमन लैंग्वेज में अगर हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं, जो बच्चे या जिनको फंगस के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो उनको ये पता होगा कि मोल्ड्स हम किसे कहते हैं। जो कॉमन फंगस है हमारी राइजोपस और म्यूकर, उनको हम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो फंगस क्या कर रही है, म्यूकर माइकोसिस डिजीज कॉज कर रही है। म्यूकर और राइजोपस, ये दो मेन फंगस हैं जो क्या कर रही है, म्यूकर माइकोसिस करने में, जिसके पीछे अपना जो हाथ है वो किसका है, राइजोपस और म्यूकर का है। ठीक है, और इनको हम म्यूकर माइसीट्स भी बोलते हैं, यानी कि म्यूकर माइसीट्स फैमिली में बिलोंग करते हैं। दीज मोल्ड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। अब हम इसकी बात करें कि ये मोल्ड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये मोल्ड्स इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट है। म्यूकर माइकोसिस मेनली इफेक्ट पीपल हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, टेकिंग मेडिसिंस दैट ग्रो दैट लोअर्स बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। ये म्यूकर माइकोसिस उन्हीं पर्सन पे होगा या उन्हीं पीपल को ये अफेक्ट करेगा जिनको क्या है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर वो कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनकी बॉडी क्या है, बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, कि वो अगर उनकी जो एबिलिटी है कि वो लड़ सके किसी पैथोजन के अगेंस्ट, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, उनको ये क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो आगे की वीडियो में हम यही सब चीज़ें जानेंगे कि इस ये कैसे हो रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है, क्या इसके सिम्टम है, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फंगस कैसे कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर रही है, और स्पेशली अभी ये कोविड से जो पेशेंट रिकवर हुए हैं उन्हीं पे क्यों इन्फेक्शन कर रही है। फिर देखेंगे हम इसके जो ये फंगस है ये इन्वायरमेंट में कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इज इट कंटेजियस और नॉट ये जानेंगे, इसका डेथ रेट जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे एंड ट्रीटमेंट जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फंगस जो है सिर्फ कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को ही अपना हथियार क्यों बना रही है। ठीक है, उन्हीं को पे ही हमला क्यों कर रही है। सो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसके जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमारे आसपास भी प्रेजेंट है, मेरे आसपास अभी प्रेजेंट होंगे, आपके आसपास भी प्रेजेंट होंगे, बट क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत कॉमन फंगस है। ठीक है, बट इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे अभी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हम इसके जो स्पोर्स को अगर इनहेल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारे इम्यून सेल्स हैं। ठीक
ठीक है, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, तो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो इम्यून सेल है, हमारी इम्यूनिटी अभी बहुत स्ट्रांग है, वो इन स्पोर के अगेंस्ट लड़ सकती है और इनको क्या कर रही है, खत्म कर रही है। अगर ये फंगल स्पोर मेरी बॉडी के अंदर अभी इस वक्त जा रहे हैं, तो मेरी इम्यून सिस्टम, मेरा इम्यून सिस्टम अभी इतना स्ट्रांग है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग है कि वो इस फंगल स्पोर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, लड़ सकता है, इससे लड़ाई करके उसको खत्म कर सकता है। बट जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनकी बॉडी क्या है, अभी बहुत वीक है, उनका इम्यून सिस्टम क्या है, अभी बहुत वीक है, वो अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़के आए हैं, ठीक है, उनके जो भी इम्यून सेल है, उनकी इम्यूनिटी अभी सब खत्म हो गई है, उनकी इम्यून सेल ने लड़ाई की है कोरोना वायरस से, उसको उसकी बॉडी से हटाने के लिए, तो इसलिए अभी वो क्या है, बहुत थक गए हैं, उनका इम्यून सेल्स बहुत थक गए हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के, ठीक है, जो ये म्यूकर फंगस है, ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, कि ये अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मैं उस इंसान के अंदर जाके ग्रो कर सकूं। तो ये क्या कर रही है, उन इंसानों को ढूंढती है, मतलब ढूंढती है, मतलब मैं ऐसे समझा रही हूँ कि कोरोना रिकवर जो कोविड रिकवर पेशेंट्स हैं उनको क्या करती है, जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स है उनकी बॉडी में इजिली ये क्या कर सकती है, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है, क्यों, क्योंकि उनकी अभी इम्यूनिटी क्या है, बहुत लो है, बहुत कमजोर है, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो वहां पे जाके ये क्या कर सकती है, आसानी से अपना इन्फेक्शन कर सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वेयर दे आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, इसका आंसर आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एनवायरमेंट में इसके स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सॉयल में आपको इजीली मिल जाएगी, अगर ये सॉयल में, अगर सॉयल का अगर कल्चर वल्चर करें तो इसके हमें इसका अच्छे से इसका कल्चर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप क्या है, ये म्यूकर माइकोसिस के डिफरेंट कितने टाइप की ये हो सकती है, ये इसके टाइप किस पे डिपेंड करते हैं, कि ये हमारी बॉडी के किस किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, जिस ऑर्गन को ये इफेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिर इज इट कंटेजियस और नॉट कंटेजियस, और नॉट का मतलब ये होता है कि ये जो फंगस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है या नहीं फैल सकती, यानी कि जैसे अभी हमने हम देख रहे हैं कि जो कोरोना है ये क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि दूरी बना के रखे, कि क्यों, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। बट अगर हम म्यूकर माइकोसिस देखें तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल रहा है, सो इट इज नॉट कॉन्टेजियस, ठीक है, ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, बट ये अफेक्ट किसको कर रही है, जो इम्यून सिस्टम जिनका अभी बहुत वीक है, ठीक है। और इसका डेथ रेट क्या है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और यहाँ पे जो ये पिक्चर्स लगाने का मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि आप यहाँ पे पिक्चर्स लगा, ये लगी हुई पिक्चर्स को देख के इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक फंगस है और ये किस हद तक ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर रही है। ओके सी, अब हम देखें ये फंगस इन्फेक्शन कैसे करी है, हम इसके जो जो वीक है, जो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो इस फंगस के कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं, इस फंगस के कांटेक्ट में वो या तो एनवायरनमेंट के थ्रू आएंगे, जैसे एनवायरनमेंट में उसके स्पोर्स अगर प्रेजेंट हैं कहीं पे, तो अगर उन्होंने इनहेल की एयर, तो उसके थ्रू ये क्या कर सकती है, फंगस अपना इन्फेक्शन कर सकती है, उसकी बॉडी के अंदर जा सकती है। या फिर दूसरा रीजन ये है कि अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे कट है, वुंड्स हैं, ठीक है, आपकी बर्न हुआ है कहीं पे, तो वहां पे घाव होते हैं, वो घाव पे अगर कहीं पे उस घाव के थ्रू क्या होती है, फंगल, अगर वहां पे फंगल स्पोर का कॉन्टेक्ट हुआ कट वाले एरिया पे, बर्न वाले एरिया पे, तो वहां से क्या कर सकती है, फंगल स्पोर अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। इन दो रीजन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर का मतलब ये किन किन पेशेंट्स को, किन किन पर्सन को ये क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला जो उसका रिस्क फैक्टर है वो ये है, इन्फेक्शन ओनली अकर इन इम्यूनो कम्प्राइज्ड पर्सन, दैट इज पर्सन ऑन इम्यूनो सप्रेंट मेडिकेशन और पर्सन विथ लो इम्यून रिस्पॉन्स या लो इम्यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी, वो पर्सन जो इम्यूनो कम्प्राइज मेडिकेशन पे है, यानी कि इम्यूनो सप्रेंट मेडिकेशन पे है। इम्यूनो सप्रेंट मेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ कि जैसे अभी हमने एक इंसान का क्या किया, किडनी ट्रांसप्लांट की है, ठीक है, किडनी, मान लो कोई भी ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है, तो उस इंसान को हम, उस पर्सन को हम क्या देते हैं, इम्यूनो सेपरेंट दवाइयाँ देते हैं। इम्यूनो सेपरेंट दवाइयाँ मतलब वो उसका इम्यून सिस्टम को क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी,
उसके इम्यून जो सेल हैं, उसके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सेल हैं, बी सेल, टी सेल, उन बी इम्यून सेल्स को क्या कर देगी, उन इम्यून सेल का जो फंक्शन है, उन इम्यून सेल्स का फंक्शन क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, अब हमने क्या दिया है, उस ट्रांस जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था उस पर्सन को हमने इम्यूनो सप्रेंट दवाइयाँ दी हैं। वो इसलिए दी हैं क्योंकि हमने किसी और बॉडी का क्या किया है, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है, तो इसीलिए जो हमारे इम्यून सेल हैं उसको कोई और फॉरेन पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल समझ के वो ऑर्गन को डैमेज ना करे, इसीलिए हमने उसको इम्यूनो सप्रेंट दवाइयाँ दी हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो, अभी कम हो जाए, वीक हो जाए। तो इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ पे क्या कर सकती है, ये फंगस इन्फेक्शन कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमें इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आदमी, जो पर्सन क्या है, इम्यूनो सप्रेंट मेडिकेशन पे है, उस पे ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। और इम्यूनो सप्रेंट पेशेंट कौन है, अभी जो कोविड से जस्ट रिकवर हुए हैं वो भी इम्यूनो सप्रेंट पेशेंट ही है, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि उसका उनका इम्यून सिस्टम क्या है, अभी बहुत वीक है। दूसरा, स्टेरॉइड जो हम कोविड पेशेंट को रिकवर करने के लिए क्या दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स में क्या होता है, स्टेरॉइड से क्या होता है, हाँ, तो स्टेरॉइड क्या करता है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या कर देता है, हाई कर देता है बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन। हमारे इंसुलिन को लो करके शुगर का लेवल क्या कर देता है, हमारे ब्लड में हाई कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हमको देखने को मिलती है, और जहां पे डायबिटीज होगी वहां पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम फिर लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इज इट कंटेजियस और नॉट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है, कि एक इंसान को हुई तो वो दूसरे इंसान को छूने से या फिर उसके छींकने से, उसके साथ बोलने से नहीं फैलेगी, ये तभी आपको अटैक करेगी जब आपका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत लो होगा। और इसका मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखें, यानी कि इसका मृत्यु दर क्या है, 50-60% है, जो कि कोरोना से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका इन्फेक्शन क्या है, बहुत रेयर है, बहुत रेयरली इसका इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा, बट अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो 100 में से 40, यानी कि 40% ही लोग क्या होंगे, बच सकते हैं अगर इसका इन्फेक्शन हुआ तो। ठीक है, इसका जो हम कह रहे हैं कि एक नई बीमारी हो जा रही है कोविड से, अगर जो लोग ठीक हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, ये बीमारी पहले भी होती थी, बट अभी ये इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है कोविड रिकवर्ड पेशेंट में, तो इसीलिए ये क्या हो रही है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये सब लोगों को जो कोविड से, एक तो इतने ज्यादा कोविड से रिकवर्ड, कोरोना इतना ज्यादा हो गया, तो पेशेंट जो है कोविड से जो रिकवर हैं उनकी इम्यूनिटी लो है, तो इसलिए उनका जो नंबर है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से बीमारी एग्जिस्ट करती थी, वही है। ठीक, सी, अब हम इसके टाइप्स के बारे में अगर बात करें, तो इसके टाइप किस पे डिपेंड करते हैं, ये कि ये फंगस हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करिए, कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन कॉज करिए, उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप है राइनोसेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस। राइनोसेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस जो है बहुत कॉमन टाइप का म्यूकर माइकोसिस है, एंड इसके जो सिम्टम है, ठीक है, इसके जो सिम्टम है वो है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन यानी कि आप को लगेगा कि आपकी नाक पूरी भारी हो गई है, बंद हो गई है, और कभी कभी क्या होगा, नाक से क्या होगा, नोज से ब्लड डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, और राइनोसेरिब्रल म्यूकर माइकोसिस में हमें कहाँ पे इन्फेक्शन दिखेगा, हमारे साइनस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट, जो साइनस वाला पार्ट है, साइनस मीन्स आपके नोज वाला, नोज के अगल बगल, आंखों के अगल बगल वाले पार्ट में हमें इन्फेक्शन दिखेगा। और दूसरा रीजन है कि इसमें हमें क्या दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, हमारे फेस के एक साइड पे, इधर साइड पे हमें क्या दिखेगी, फेस के स्वेलिंग दिखेगी, और फेस में क्या होगा, पेन होगा। थर्ड जो उसका सिम्टम है वो है हेडेक, सर पे दर्द होगा, फीवर होगा, इवन आफ्टर कि आप कोविड से रिकवर हो गए उसके बाद भी आपको क्या लगेगा, फीवर हो सकता है। और ब्लैक लेजन ऑन दी अपर जॉ, ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि हमको क्या दिखेगा, जो जॉ का अपर पार्ट है, जो मैंने फोटोग्राफ में भी लगाया हुआ है, फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर काले काले चकत्ते देखने को मिलेंगे, वो फंगस का इन्फेक्शन है। ठीक है, आपका फंगस का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो आपको अपने आंखों से नजर आने लगेगा, या फिर हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि विजन लॉस, धीरे धीरे हमारी क्या होगी, आंखों की रोशनी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी,
ठीक है, जो सेकंड टाइप का म्यूकर माइकोसिस है वो है पल्मोनरी। पल्मोनरी से हमें पता चला है कि ये कौन से हमारे पार्ट को अफेक्ट कर रही है, हमारे लंग्स वाले पार्ट को अफेक्ट कर रही है। राइनोसेरिब्रल हमारे कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही थी, साइनस वाले पार्ट को अफेक्ट कर रही थी और ब्रेन वाले पार्ट को अफेक्ट कर रही थी। पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस हमारे चेस्ट को अफेक्ट कर रही है, हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो सिम्टम है वो हमें देखने को मिलेगा, चेस्ट में पेन होगा। अगर लंग्स को अफेक्ट कर रही है तो हमारे चेस्ट में पेन होगा, फीवर होगा, कफ होगा, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ये सब क्या है, पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम है। थर्ड जो है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस। इसके भी नाम से आप समझ रहे होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मीन्स कि हमारे पेट से रिलेटेड है, यानी कि इसका म्यूकर माइकोसिस, म्यूकर का जो इन्फेक्शन होगा, जो म्यूकर माइकोसिस होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे पेट पे होगी। आंतों में इन्फेक्शन होगा, पेट में इन्फेक्शन होगा, तो उसका जो हमें जो सिम्टम नजर आएंगे उसके क्या होंगे, स्टमक एक होगा और वॉमिटिंग होगी। ठीक है, फोर्थ टाइप जो है इसका वो है क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस, यानी कि क्यूटेनियस का मतलब हो गया स्किन से, स्किन में इन्फेक्शन होना। ठीक है, जो फोटोग्राफ मैंने लगाई है इस तरीके का इन्फेक्शन आपको दिखेगा अपनी स्किन पे, सब जगह पूरी बॉडी पे स्किन में आपको इस तरीके का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जो फिफ्थ है वो है मिसलेनियस म्यूकर माइकोसिस। मिसलेनियस म्यूकर माइकोसिस में क्या होगा, इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो हमारे बॉडी की साइड, जैसे इवन हमारे बोन्स को, ठीक है, कोई भी पार्ट बॉडी का, कोई भी पार्ट इवन बोन्स को भी वो क्या करने लगेगा, इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। बोन क्या सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको भी इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। ठीक है, डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस मतलब कि अगर डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस हो गया, ये बहुत रेयर है, अगर हो गया तो मतलब कहानी खत्म। डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस में क्या होगा कि ये क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या कर देगा, हमारे ब्रेन को, हमारी किडनी को, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा और ब्लड में इन्फेक्शन होगा। ब्लड में इन्फेक्शन मीन्स पूरी बॉडी में इन्फेक्शन। अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेन में डैमेज होगा, किडनी में डैमेज होगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। ठीक है, तो ये तो थे इसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स की ये कितने टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन, कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में क्या कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सी, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमारी नोज क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ नोज होगा, पेन ओवर साइनस, यानी कि साइनस वाले पार्ट पे पेन होगा, साइनस वाला पार्ट, ये इतने पार्ट पे हमें क्या नजर आएगा, पेन नजर आएगा, हेडेक होगा। इवन आफ्टर रिकवरी, आप रिकवर हो गए हैं उसके बाद भी आपको क्या होगा, हेडेक होगा। स्वेलिंग ऑन इधर साइड ऑफ फेस, आपके फेस के एक साइड पे क्या होगी, स्वेलिंग नजर आने लगेगी। ब्लैक लेजन्स ऑन अपर जॉ, अपर जॉ पे आपको क्या लगेंगे, ब्लैक ब्लैक चकत्ते नजर आने लगेंगे। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस केस में आपको क्या दिखेगा कि आपकी स्किन क्या होगी, ये डार्क 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 काले काले चकत्ते आपको अपनी स्किन पे भी नजर आने लगेंगे। आंखों में पेन होगा, आईज पेन होगा, आई बिकम रेड, ठीक है, और स्वेलिंग होने लगेगी आंखों में, और स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपकी जो आंखें हैं, ये जो ये आंखें आंख वाला पार्ट है, ये क्या होने लगेगा, बाहर की तरफ प्रोट्यूड करने लगेगा, प्रोट्यूडिंग ऑफ आईज। ठीक है, और फीवर होगा, कंटिन्यूस फीवर होगा, आप इवन रिकवर हो गए कोविड से तभी भी आपको फीवर होगा, और चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अगर आप रिकवर हो गए उसके बाद भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, सिम्टम है म्यूकर माइकोसिस के। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस मीन्स हम कैसे पता लगवा सकते हैं कि हमें क्या है, म्यूकर माइकोसिस हो रही है या कि या फिर फंगल का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कोई भी ये सिम्टम अगर नजर आ रहे हैं तो हम इमिडिएटली किससे कॉन्टेक्ट करेंगे, अपने ENT स्पेशलिस्ट से या फिर आई स्पेशलिस्ट से कॉन्टेक्ट करेंगे। और दूसरा इसका मेथड है, सिटी स्कैन करवा सकते हैं या फिर टिश्यू बायोप्सिस। टिश्यू बायोप्सिस में क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी का एक टिश्यू लेंगे और उसमें उसको स्कैन करेंगे, उसकी स्टेनिंग करके उसको स्कैन करेंगे। अगर हमारे टिश्यू में एसेप्टेड हाइलाइन हाइफी नजर आते हैं, वो क्या है, म्यूकर और राइजोपस के एसेप्टेड हाइलाइन हाइफी होते हैं, तो अगर उनकी प्रेजेंस नजर आती है दैट मींस हमारी बॉडी में फंगस का इन्फेक्शन है। और दूसरा मेथड क्या है कि हम कल्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने सैंपल लिया अपने नोज के थ्रू या हमारे स्वैप थ्रोट से स्वैप के थ्रू हमने क्या लिया, सैंपल क्या लिया, सैंपल लिया और उसको हमने कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, और कल्चर मीडियम में ग्रो करवाने के बाद एक दिन बाद या दो दिन बाद हमें फंगस नजर आएगी, और फिर उस फंगस को हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके स्लाइड बना के उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हमें फंगल या म्यूकर राइजोपस के हाइफी या स्पोर वगैरह दिख रहे हैं तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हमारी बॉडी में क्या है, फंगस का इन्फेक्शन है। तो ये तो थे उसके डायग्नोसिस फीचर।
अब हम आते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एंटी फंगल ड्रग्स देनी पड़ेगी। जो कॉमन ड्रग्स हम म्यूकर माइकोसिस में वो यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, वो है लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन बी, लैम्प बी नाम से वो दवाई आई है। और ये क्या है, दवाई रिसेंट दवाई है जो किसने बनाई है, भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड करके जो कंपनी है उसने ये रिसेंटली अभी दवाई बनाई हुई है। और इसको DGCI से क्या है, अप्रूवल मिल चुका है कि हम इस दवाई का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस के केस में। और भी को बहुत से एंटी फंगल ड्रग्स हैं जिसका यूज हम अपने ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। और जो फंगस का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। हम इजिली इसको 1 हफ्ते की दवाई खा के या 10 दिन की दवाई खा के इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि कभी हमें हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, महीनों की दवाई देता है कि आपको 3 महीने ये दवाई लेनी है तो लेनी है। अगर हफ्ते में छूटती है, अगर 1 हफ्ता हमने दवाई खाई उसका इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है, सूखने लगता है वो, बट हमने अगर दवाई छोड़ दी तो वो फिर से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, री इन्फेक्शन होने लगता है फंगस का। तो ये फंगस जो है ये क्या करती है, इतनी इजीली हमारी बॉडी से नहीं जाती है, ठीक है, इसको जाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल ड्रग यूज करनी है और कंटिन्यूस यूज करनी है। और कभी कभी तो अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो ओरल हम मेडिकेशन से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, हमें क्या लेने पड़ेंगे, इसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे ताकि वो जल्दी से हमारी बॉडी में फैले, वो दवाई एंटीफंगल ड्रग जल्दी से हमारी बॉडी में फैले और अपना इफेक्ट शो करे। और लास्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी है। सर्जरी मतलब अगर फंगस ने हमारे कोई बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर दिया है तो वो फंगस क्या हो रही है, धीरे 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 करके क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अगर उसको हमने रिमूव नहीं किया, उसने हमारे कोई बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर दिया है, अगर हमने उसको रिमूव नहीं किया तो चांसेस है कि वो दूसरे बॉडी पार्ट को भी क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। तो उतने एरिया को, जहां पे जितने एरिया में उसने इन्फेक्शन किया है उतने एरिया को क्या कर देना, निकाल देना उस बॉडी पार्ट में से, हम क्या करते हैं उतने एरिया को निकाल देते हैं। तो फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है सर्जरी का। तो यही केस हमें देखने को मिला है कि लोग डर रहे हैं कि आंख निकाल दे रहे हैं, ये निकाल दे रहे हैं, वो निकाल दे रहे हैं। उसका रीजन यही है कि फंगस का जो इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि एक आंख, एक साइड उसने इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर दिया है कि एक आंख में इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर दिया कि दूसरी आंख को बचाने के लिए हमें वो आंख निकालनी पड़ रही है, ठीक है, यही रीजन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, आपने कुछ सीखा मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी म्यूकर माइकोसिस के बारे में जान सके। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए।